हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि PBR 322 के जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के जो साइट्स है वो कैसे आप याद रख सकते हैं बहुत ही ईजी एंड फनी वे में। तो PBR 322 एक प्लाज्मिड है, 4363 बेस पेयर्स लॉन्ग, और हम इसके जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के जो साइट्स वो हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये गोल या फिर सर्कल को एक घड़ी के तरह सोचें या फिर एक क्लॉक की तरह सोचें, तो देखिए यहाँ पे 12 बज रहे, यहाँ पे 6 बज रहे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा दिन का शुरुआत होता है सुबह 7 बजे, तो अगर हम 7 ये पोजिशन पर देखें तो यहाँ से PBR 322 का भी शुरुआत होता है, यानी कोराई साइट ओरिजिन। तो ओरिजिन जो है वो 7 बजे होता है, 8 बजे आप रेडी होते हो, 9 बजे आप स्कूल या कॉलेज जाते हो, स्कूल गए आप, ठीक 9 बजे गए आप स्कूल, 10 बजे के आसपास PST 1 यानी आपका पढ़ाई स्टॉप हो गया, PST, और पढ़ाई स्टॉप होने के कारण आपने थोड़ा सा गाना सुना। कौन सा गाना सुना? एम्पलीफायर इमरान खान का। ये AMPR जो है ये डिनोट करता है इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को। तो आपने सुना एम्पलीफायर गाना, उसके बाद जो हुआ आप भूल गए अपना पढ़ाई भूल गए, PVU पढ़ाई भूल गए, और उसके बाद आपको लगभग 10 से 11 बजे के बीच क्या हुआ, पढ़ाई भूलने के कारण आपको स्केल से मार पड़ी, SCA 1 स्केल से आपको मार पड़ी। उसके बाद आपको 11 बजे क्लास था इकोलॉजी का, ECOR 1 इकोराई साइट, ठीक आपका क्लास था इकोलॉजी का, ECOR 1 CLA इकोलॉजी क्लास CLA 1 11 से 12 बजे तक। लेकिन उस बीच क्या हो गया, आपके हिंदी के टीचर आए और हिंदी के टीचर ने क्लास ले लिया हिंदी का, HIND HIND 3 हिंदी का क्लास ले लिया, तो आपका बहुत दिमाग तन गया। आप घर आए 2 बजे के आसपास, आप घर आए और आके टीवी चला दिया, टीवी चलाए तो आपने टीवी में क्या देखा, टीवी में आपने देखा कि क्या चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, BAM H1 बिग बॉस चल रहा है 2 बजे। और फिर आपने क्या किया, फिर बिग बॉस में कौन आ रहा था, सलमान खान आ रहे थे, SAL 1 यहाँ पे मतलब 2 से 3 बजे सलमान खान आ रहे थे, तो उनको देख के आपका सर और भी घूम गया, और भी चकरा गया आपका सर। फिर आपने क्या किया, TETR यानी आपने एक टेट्रा पैक जूस या दूध पिया टेट्रा पैक का। फिर जब शाम 6 बजे हुआ, तो शाम के 6 बजे आप फिर से पढ़ाई भूल गए शाम के 6 बजे, और आप क्या हुआ, रो पड़े, ROP यानी रेप्लिकेशन का जो जीन है ROP वो है, आप रो पड़े। और इस तरह से आप याद रख सकते हैं पूरा PBR 322 के जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स के जो पोजीशंस है वो याद रख सकते हैं, और आप ये भी याद रख सकते हैं जो मेन रिकॉग्निशन साइट्स है वो भी याद रख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। ये फनी वे है। तो ऐसे टोटल रिकॉग्निशन साइट्स कितने रहते हैं, टोटल रिकॉग्निशन साइट्स रहते हैं 40, टोटल 40 रहते हैं रिकॉग्निशन साइट्स, और उसमें से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है उसमें रहते 6 रिकॉग्निशन सिक्वेंसेज रहते हैं उसमें, और जो टेट्रासाइक्लिन उसके जो रेजिस्टेंस है वो जीन में रहते 11 यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लोरामफेनिकॉल क्या करता है, इसका जो कॉपीज है या फिर प्लाज्मिड यील्ड है वो बढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्लोरामफेनिकॉल जो है वो होस्ट के अंदर जाके होस्ट का प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और इसके कारण जो प्लाज्मिड का यील्ड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने जीन्स को, इसकी वजह से वो प्लाज्मिड का यील्ड बढ़ जाता है।